नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरी चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। आज बात करेंगे इंडिया के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो नेशनल मीडिया पे गायब सा हो चुका है। रुको रुको, नेशनल मीडिया के बारे में बताने की कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपको जो बताना है, मैंने इस वीडियो जो है मेरी दूसरी चैनल की है जो मैंने 5 महीने पहले अपलोड किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्ले बार है वहाँ पर कट्स लगी हुई है, शायद आपको इसके बारे में पता होगा। इसे हम कह सकते हो टाइमलाइन या सेगमेंट या बार या चार्ट, ये कुछ भी कहते हैं लोग इसे। तो ये जो है आप इसके सेगमेंट देख सकते हो पूरी वीडियो की, जिस वीडियो जो आप देखना चाहते हो, जिस पार्ट को देखना चाहते हो, उस पार्ट को आप कुछ सेगमेंट्स में दी गई है, उसे टाइम स्टाम्प कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। लेकिन इसकी जो बेसिक्स है आपको जो समझना है वो है एक वीडियो की डिवाइडेड पार्ट्स, जो पार्ट्स वाइज आपकी सामने रखी दी जाती है। मान लो कि आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है, लेकिन इसके जो बेस्ट पार्ट आपको चाहिए, जो जिसके बारे में आप देखना चाहते हो वो ही आपको देखना है, तो आप उसी पार्ट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। इसे टाइम स्टाम्प कहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप वीडियो क्रिएटर हो तो आपको इसके लिए टाइम स्टाम्प देने पड़ते हैं। ये टाइम स्टाम्प देने के लिए सबसे आसान तरीका आपको मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हो मेरी ये जो वीडियो है, आप नीचे चले जाइए, यहाँ पे एक टाइम स्टाम्प की एक रिकॉर्ड दी हुई है। इसको कैसे देते हैं, कॉमन सी बात है, यूट्यूब की नई अपडेट के हिसाब से ये जो टाइम स्टाम्प है ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा अगर अवेलेबल है तो। आपको पहले क्या करना पड़ता था, पीसी में आपको मैनुअली ड्रैग करना पड़ता था, टाइम भी देना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, आप अगर टाइम दे देते हो तो ऑटोमेटिक वो कट हो जाता है, स्टाम्प में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो की जो जो पार्ट है आपको उसकी टाइम जो पीरियड है आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप नोट पैड पर जाइए, अपने नोट सेक्शन पे जाए, न्यू नोट पे जाए। इसके लिए आपकी जो फॉर्मेट है आपको इंक्रीजिंग टाइम वैल्यू के हिसाब से देना पड़ता है। जैसे कि आप पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 00:00 से स्टार्ट होने वाला है, आप 00:00 दे सकते हैं। इसके बाद आप एक हाइफन दे सकते हो या स्पेस भी दे सकते हो। तो इसके बाद आपको जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन दे दिए, तो उसके बाद आपको एक स्पेस, सॉरी नीचे जाना है, लोअर स्पेस देना है, आप दे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन याद रख जरूर रखना ये जो टाइम इंटरवल है, मिनिमम जो बार है उसकी जो टाइम है वो 10 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे 00:09 नहीं दे सकते, इसके जो टाइम है मिनिमम आप यहाँ पे देख सकते हो 00:10 देख सकते हो, उसके बाद कोई सेगमेंट जुड़ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ भी आपके हिसाब से लगा सकते हो, 52 सेकेंड्स। ठीक है, मान लो ये पार्ट 1 है, उसके बाद आपको देना होगा 00 या आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। और एक बात है जो आपको बताना ज़रूरी है, क्या आपके वीडियो के अंदर 3 सेगमेंट या टाइम चैप्टर टाइम बार वो रहना चाहिए जरूरी है, नहीं तो ये वीडियो में शो नहीं करने वाला है। ये हो गया, इतना ही, आप चाहे तो और जोड़ सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कुछ लोग कहते हैं जो 2 से ज़्यादा टाइम स्टैम्प्स काम नहीं करते हैं, मुझे लगता है ये 2 से ज़्यादा भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे लगभग दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी टाइम स्टैम्प्स यहाँ पे दी गई है और सारे के सारे जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे चले जाइए अपने नोट पे, इसको कॉपी कर लें, नहीं तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके ये कर सकते हो, लेकिन ये आसानी होता है, तो इसको आप कॉपी कर ले और अपने यूट्यूब स्टूडियो पे जाइए। आपको जिस वीडियो के अंदर ये लगाना होता है, आपको जिस वीडियो के अंदर ये लगाना होता है
आप मेरे वीडियो देख सकते हो चैनल की, और चाहे तो आप इसे लगा सकते हो यहाँ पे। थोड़ी लंबी वीडियो होना चाहिए, तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन के किसी भी पार्ट के अंदर आप इसे लगा सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हो आप, नीचे वाले हिस्से पे इसे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे इसको कर दीजिए सेव। तो कुछ ही देर के अंदर ये जो टाइम स्टैम्प्स है वो अवेलेबल हो जाएगी आपकी यूट्यूब वीडियो के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो तीन बार यहाँ पे दी गई है, इंट्रोडक्शन पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ये आप देख सकते हो। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके फर्दर नोटिफिकेशन पहले पाएं।